सभी बहन भाई को जय मसीह की। मैं मसीह में आपका भाई अजय शेरियार आपको मैं अपने गवाही देना चाहता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को चेंज किया और कैसे प्रभु ने मुझे चंगाई आशीष को दिया। सो आपसे बताना चाहता हूँ मेरे बहन भाइयों, मसीह में आने से पहले मैं बहुत नशे करता था, मुझे टीवी का रोग था और मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा था। सो हम 5 बहन भाई थे और 3 भाई 2 बहनें। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो मेरा बड़ा भाई था वो मर गया था और मरने के बाद मेरे माता पिता ने सोचा भी हमारे जीवन में ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारा बेटा कैसे मरा। तो इधर उधर जाके बहुत सी जगहों पे तंत्र मंत्र करते थे तो कोई वे बताता था भी तुमने ये चढ़ावा नहीं चढ़ाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो वो सब मेरे माँ बाप ने किए, चढ़ावे चढ़ाए, ये हुआ। फिर भी दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर आता रहा और मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था, बहुत परेशान रहता था और मैं बहुत सी स्मोकिंग वगैरह नशे मतलब भांग की सिगरेट बीड़ी ये सब पीने लगा और इतना बुरा हाल हो गया मेरे जीवन में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। इधर उधर रात को 12-12 बजे घर से बाहर रहना और फिल्में देखना, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना, कच्ची भांग की बीड़ियाँ मैं पीता था। एक समय ऐसा आ गया कि मैं टीवी का इतना ज़्यादा रोगी हो गया और 5 बार मुझे खून की उल्टी आई। सो ये बातें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये प्रभु में यीशु में आने से पहले की बातें हैं। और मेरे पापा साहब जी बेचा करते थे 3 टेर वाली जो रेड़ी होती है उसके ऊपर। सो मेरे बहन भाइयों, इतना दुखी इतना परेशान मैं हो चुका था कि जो कोई भी मुझे प्रभु के बारे में यीशु के बारे में बताता सुनता था पर उसको समझता नहीं था भी ये क्या है क्या है, क्योंकि लोगों से सुनते थे भी यीशु मसीह अंग्रेज़ों का खुदा है, अंग्रेज़ों का रब है, अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। पर मैं बोलता था भी नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। तो एक दिन ऐसा आया कि सब जगह पर देख लिया, मेरी मम्मी भी परेशान होने लगी और मेरी मम्मी सुबह शाम और जब भी खाना खाते थे हम उसी वक्त मेरी मम्मी का सिर भारी हो जाता था और जैसे वो खेलते हैं दुष्ट आत्मा उनके अंदर आती थी वो आने लग जाती थी। और ऐसा हुआ कि एक दिन मम्मी जी ने कहा भी चलो मैं फलानी बहन बता रही है भी यीशु के बारे में, फलाना भाई बता रहे यीशु के बारे में। मैंने कहा भी तुम जाओ पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं यीशु पर नहीं विश्वास करता, यीशु मसीह तो अंग्रेज़ों का रब है, तो मुसलमानों का धर्म है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो मेरे बहन भाइयों जब मम्मी जी गए, मम्मी जी वापस आके जब मुझे बताने लगे भी यीशु मसीह की संगत में जब मैं गई तो वचन सुना, वाणी सुनी, लोगों की गवाही सुनी कि किसी की पथरी निकल गई, किसी की कोई बीमारी निकल गई, किसी की ये तकलीफ निकल गई। और मम्मी ने सोचा भी हाँ मेरा भी छुटकारा हो सकता है। तो मम्मी के सिर पे पास्टर जी ने जब हाथ धरा तो मम्मी जी ने आके बताया भी ऐसे लगा भी कम से कम 1 क्विंटल का जो भार जो मेरे शरीर के ऊपर था उससे भी ज़्यादा मतलब भार था, पर ऐसा लगा कि जैसे मेरे सिर से निकल गया। और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया समय आ गया कि मम्मी अच्छे से खाना पका रही है, मम्मी खाना जब पका रही है उसके बाद हम जब खाना खाने लगे तो आराम से लेट गए। जब सोचा प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया अभी देख मैं तेरा जिंदा परमेश्वर खुदा जिसका नाम यीशु मसीह हूँ, मैं ही खुदा मैं ही परमेश्वर हूँ। तो प्रभु ने जब मुझे बताया कि मैं तेरे यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता मुक्तिदाता हूँ, मैंने तेरी मम्मी को चंगा किया, मैं तुझे भी चंगा कर सकता हूँ, तुझे टीवी के रोग से चंगा कर सकता हूँ, तुझे बीमारी से चंगा कर सकता हूँ, तुझे गरीबी से मैं छुड़ा सकता हूँ, मैं तुझे आशीष कर सकता हूँ। तो मेरे मन में एक विश्वास आया कि मैं जाके चर्च में जाके देखूँ यीशु क्या है, यीशु कौन है। तो प्रभु ने एक विश्वास का बीज मेरे अंदर डाल दिया मम्मी के द्वारा, मम्मी की गवाही के द्वारा कि यीशु मसीह ने जे कैसे मम्मी को एकदम छुटकारा दिया, उनका बोझ सिर से उतर गया। जब मैं चर्च में गया तो मम्मी जी ने जब मुझे बताया था वो जाने के बाद जब मैंने देखा भी हाँ भजन बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया अच्छा संगीत चल रहा है, बहुत बढ़िया अच्छे गा रहे हैं, तो मैंने भजन सुना। उसके बाद खुदा के दास ने जो वचन दिया वाणी दी तो एक वचन मेरे दिल को छू गया जो यीशु मसीह कहते हैं हे सारे थके हुए बोझे ठा दबे मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि पंजाबी की बाइबल है जो मैंने पढ़ी है उसमें ये सही लिखा है। तो समझ में आया कि हाँ भी मेरे जैसा थका हुआ भी कोई नहीं है,
जितना मैं थका हुआ और बोझ से दबा हूँ और बहुत चिंताएं परेशानी से हूँ और दिन रात बीड़ी में पीता हूँ, दिन रात फिल्में देखता हूँ, नशे करता हूँ, बहुत कहीं मुझे आराम मिल जाए, कहीं मुझे आराम मिल जाए, पर ये तो यीशु मसीह ही आराम दे सकता है। तो जब मैं चर्च में गया और खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों के द्वारा मुझे चंगा किया, आशीष किया, और जब मैं आया उसके बाद अच्छा लगा मुझे और आराम से मैंने नींद ली और सभी चिंताएँ लगी समझ में कि भाई हाँ मुझे कोई चिंता नहीं है। फिर मैंने चर्च में हर संडे जाना शुरू किया, जैसे मैं चर्च में जाना शुरू हो गया, प्रभु के वचन को पढ़ना शुरू हो गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने खुदा के आगे अपने पापों को मान लिया, छोड़ लिया, पंजाबी में बोलते हैं मैंने तौबा कर ली। तौबा के बाद खुदा का वचन मिला कि हमें बपतिस्मा लेना चाहिए, कि बपतिस्मे का मतलब होता है कि हमें दुनिया की ओर से मरना और नवा जीनम जो मसीह में है वो नवी सृष्टि है, पुरानी बातें भुलानी है। तो मैंने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मे के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया खुदा के वचन को, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरी हैंकल हो, हैंकल मतलब मेरा मंदिर हो, कि खुदा हमारे बीच में रहना चाहता है। तो मैं बीड़ी पीता था, नशे करता था बपतिस्मा लेने के बाद भी, पर जब वचन समझ में आया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तू मेरे अंदर रहना चाहता है, तो मैंने प्रार्थना और भी बढ़ा दी प्रार्थना। तो खुदा का पवित्र आत्मा, प्रभु का अभिषेक मुझे मिल गया। जब मुझे पवित्र आत्मा मिला तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे तेरा पवित्र आत्मा नहीं चाहिए, तो क्योंकि मुझे पता है उसके बाद मैं फिर कोई नशा करूँगा। तो प्रभु का धन्यवाद, यीशु का धन्यवाद, जिस दिन मैं पवित्र आत्मा से बोल रहा था, प्रभावित आत्मा पाके मैं अन्य भाषा में बोल रहा था, तो मुझे पता नहीं चला। मैंने सोचा 15-20 मिनट मैंने दुआ की है, और उस दिन दुआ मैंने 2-2.5 घंटे दुआ की है, और सुबह के टाइम उसके दूसरा दिन मैं बिल्कुल चंगा हो गया। और आज भी प्रभु की कृपा से मैं नशे से दूर हूँ। आज यीशु मसीह ने मुझे टीवी के रोग से भी चंगाई दे दी है और गरीबी के शराब से भी चंगाई दी है। आज प्रभु यीशु मसीह ने अच्छा मेरा बिजनेस दिया है, अच्छा काम धंधा दिया है प्रभु जी ने। और आज प्रभु यीशु मसीह मुझे पंजाब में, हरियाणा में और इंडिया के हर एक स्टेट में लेकर गया अपने गवाही के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जब हम प्रेतों के काम, मतलब पंजाबी से और सुलह दे करता, प्रेतों के काम 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तुम सामर्थ पाओगे, यरूशलेम, यहूदी, सामरिया, धरती के शोर तक मेरे गवाह होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह अपने गवाही के लिए लेके गया। बहनों और भाइयों, मैंने आपसे बताया कि कैसे खुदा यीशु मसीह ने मुझे टीवी के रोग से चंगाई दी, मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा छुटकार दिया, अब मेरे पापा सब्जी बेचा करते और हमें गरीबी के शराब से छुटकारा दिया। आज यीशु मसीह ने अच्छा बिजनेस भी दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने सेहत मतलब शरीर की चंगाई दी है, और यीशु मसीह ने आत्मिक चंगाई को भी दिया है, मतलब आत्मिक दान दी है, आत्मिक फल दिए है, आत्मिक वरदान दिए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह अपने हर एक विश्वास करने वाले को बोलता है कि तुम जगत का नमक हो, क्योंकि नमक जो स्वाद होता है तो हर जगह पे चखा जाता है, और तुम जगत के प्रकाशन ज्योति हो, और जो ज्योति चमकती है वो बहुत से लोगों को प्रकाशन में, अभिषेक में लेकर आती है, जिसको प्रकाशन मतलब अभिषेक प्रभु की आशीष में लेकर आती है। तो खुदा अपने बंदों को लेकर जाता है, मतलब बंदा जब प्रभु के लिए मन फिरा लेता है, जब बंदा परमेश्वर में आ जाता है, तौबा कर लेता है और प्रभु के मार्ग पर चलता है, उसे इस्तेमाल होने की जरूरत नहीं, वो इस्तेमाल कर लेता है। सो मेरे बहन भाइयों, मैंने आपसे अपनी गवाही बताई कि कैसे मुझे परमेश्वर ने आत्मिक आशीष से भरा, और आज प्रभु यीशु की कृपा से मैं तलवंडी साबो जिला बठिंडा पंजाब में सेवकाई कर रहा हूँ, और बहुत से गाँव में मैं जाके यीशु के सुसमाचार को बता रहा हूँ कि यीशु मसीह कैसे हमारे लिए मारे गए, कैसे यीशु मसीह हमारे लिए कब्र में दाब दिए गए, और कैसे यीशु मसीह हमारे लिए जी उठे। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 28:18 से कि यीशु ने पास आकर उनसे बातें की, उनसे मतलब आपसे मुझसे बातें की, क्या बातें की, आकाश और पृथ्वी का पूरा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ सारी जातियों को चेले बना लो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सिखाओ उन सारी बातों की पालना करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। हालेलुया। तो वो बोलते हैं, प्रभु का वचन बोलता है कि देखो जगत के अंत तक, मतलब जब तक जगत का अंत ना हो जाए, हर समय प्रभु हमारे साथ रहेगा, हरे हमारे साथ है। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि खुदा की इस महान आज्ञा को जब सुना और वचन को सुना और वचन प्रचार करने लगे, और खुदा प्रभु यीशु मसीह
इस्तेमाल करने लगा अपने दास को। मैं जा रहा हूँ हर जगह पे, जहाँ जहाँ भी प्रभु लेके जा रहा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को छुटकारे के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हमारे द्वारा जो बहन भाई वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझा रहे हैं, पहले वचन की पालना हमने की, फिर जो वचन सुना है, सीखा है, वो उनको सिखाया, वो आगे सिखा रहे हैं। आज प्रभु की कृपा से बहुत से सेवक मेरे साथ मिलकर सेवा कर रहे हैं, प्रभु यीशु की कृपा से ऑल इंडिया में सेवा कर रहे हैं, जैसे कि यूपी में हैं सेवक, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और महाराष्ट्र में और भी बहुत से जगह पे। सो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु कह रहा है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और प्रभु ने जैसे मुझे आज़ाद किया, आपको भी आज़ाद करना चाहता है। आज़ाद करना चाहता है आपकी बीमारी से, आज़ाद करना चाहता है आपको गरीबी से। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि अंधकार की हरेक उस शक्ति से प्रभु आपको आज़ाद करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह खुद आज़ाद है। वो आज़ादी में हमें लेके आना चाहता है, क्योंकि हम किसी बात में गुलाम ना रहे, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है, इसीलिए हमें सारी बातों में पवित्र होना। सो मेरे बहनों भाइयों, ये मेरी गवाही है, तो आपके लिए मैं दुआ करूँगा। आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद राजाओं के राजा। खुदावन तेरा वचन कहता है कि तुम मुझ में रहो, मेरी बातें तुम में रहें, जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह, इस वक्त इस वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले, जितने भी मेरे बहन भाई इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबको प्रभु यीशु छू ले। इनके घरों में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इनको छू ले, क्योंकि तू दूर और नज़दीक का खुदा है। पिता परमेश्वर आशीष कर प्रभु यीशु मसीह सबको, प्रभु इनके माता पिता को, इनको बहन भाइयों को, प्रभु यीशु मसीह के पड़ोस पड़ोसियों को, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू बच हो, तेरा घराना बचाया जाए प्रभु। और इन्हें प्रभु यीशु मसीह प्रेतों के काम 1 और 8 के द्वारा प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु यीशु, जो तेरी गवाहियों को दे सके, जैसे प्रभु तेरे दास ने आज अपने गवाही को बताया, कैसे तूने पिता परमेश्वर प्रभु टीवी के रोग से आज़ाद किया, और प्रभु यीशु तूने शराब जो गरीबी का उससे आज़ाद किया, प्रभु अंधकार से आज़ाद किया, और प्रभु तूने सब तीनों आशीषों को दिया प्रभु, शरीर में चंगाई पिता परमेश्वर, आर्थिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, ये तीनों आशीष इनके जीवन में बनी रहे। और रबा सखन दनाबा रखो मखन दनाबा, आशित कर प्रभु इन गवाही को सुनने वाले सभी लोगों को, आशित कर प्रभु ये आशीष पाके आगे बढ़े। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से दुआ मांगते हैं, आमेन आमेन। इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह की।